अलग अलग तरीकों से मेथी की सब्ज़ी की काफ़ी वैरायटीज़ बनती है। आज हम खत्री के जायके में उत्तर गुजरात का फेमस मेथी का डेबरा बनाएंगे, वह भी हम दही तिखारी के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। सर्दी के सीज़न में मेथी की सब्ज़ी बहुत मात्रा में मिलती है। इन सब्जियों के सारे ऊपर के पत्ते हम निकाल देंगे और उसको इस तरह से निकालने के बाद उसको बारीक काट लेंगे। मेथी के पत्तों को बारीक काटने के बाद उसको हम अच्छी तरह से वॉश कर देंगे और उसको आधे घंटे के लिए सूखा करने के लिए रख देंगे। अब हम 1 कप जितना पानी लेंगे, उसमें हम 5 चम्मच जितना गुड़ लेंगे और उसको हम गैस पर हल्का सा गर्म करने के लिए रख देंगे। गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट हो जाने के बाद उसको साइड पर ठंडा करने के लिए हम रख देंगे। अब हम 1 बाउल जितना गेहूं का आटा और उसी माप से हम 1 बाउल जितना बाजरे का आटा लेंगे। उसमें हम हल्दी पाउडर, नमक आपके स्वाद अनुसार और 2 चम्मच जितना हम उसमें तेल लेंगे और बीच में खड्डा करके हमें उसमें 3 चम्मच जितना ऑयल डालेंगे। सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ हमारे मेथी के पत्ते में सारा पानी निकल चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम उसमें हरा लहसुन ऐड करेंगे। हरा लहसुन से इसका टेस्ट बहुत ही टेस्टी रहेगा और 2 चम्मच जितना अदरक लहसुन मिर्ची की पेस्ट ऐड करेंगे और इन सब को हम अच्छी तरह से मिला देंगे। अब हम 5 बड़े चम्मच जितना दही लेंगे। मेथी के डेबरे में खट्टापन और मीठा दोनों होता है, इसीलिए हम उसमें अब 1 कप जितना गुड़ का पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा गुड़ का पानी लेकर इसे हमें पराठा जैसा आटा गूंथ लेना है। अगर आप चाहे तो इसमें जीरा पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक बार इसका टेस्ट चख लेंगे। इसमें नमक या कुछ कम हो तो इसमें हम ऐड करेंगे। इसमें हमें थोड़ा सा तीखापन कम लगता है तो इसमें लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा दही ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक। इन सबको अच्छी तरह से मिलाकर इसका हमें पराठा जैसा आटा गूंथ लिया है। अब इसमें तेल लगा कर उसको अच्छी तरह से मसल देंगे। मसलने के बाद इसको हम सिर्फ 2 से 5 मिनट तक ही रखेंगे और 5 मिनट के बाद उसको अच्छी तरह से मसलने के बाद इसके हम लुई बना लेंगे। मेथी का ढेबरा के आटा लगाने के बाद इसको हमें तुरंत ही बेल देना चाहिए, नहीं तो उसमें थोड़ा सा गीलापन आ जाएगा और बेलने में दिक्कत हो सकती है और ज़्यादा सूखा आटा लेने से ढेबरा थोड़ा सा हार्ड बन जाएगा। अब हम लुई को बेल कर उसका ढेबरा बना लिया है और तवे पर इसको रख देंगे और दूसरी साइड हम दूसरा ढेबरा भी बेल देंगे और हम सेकते भी जाएंगे और बेलते भी जाएंगे। एक साइड हो जाने के बाद उस पर तेल लगाकर उसको अच्छी तरह से हम सेक लेंगे। ये बन गया हमारा मेथी का डेबरा। इसी तरह से हम हमारा दूसरा डेबरा भी सेक लेंगे। डेबरा सेकते हुए हमें गैस की आंच लो टू मीडियम रखनी है। अब हम इसमें तेल लगाकर इसको सेक लेंगे और इसी तरह से हमारा ये दूसरा डेबरा भी तैयार हो गया है। इस पर आप सफ़ेद मक्खन भी लगा सकते हैं।
अब हम मेथी के ढेबरे के साथ खाने वाली दही तिखारी बनाएंगे। दही तिखारी बनाने के लिए हमें 8 से 10 कली लहसुन को बारीक पीस लेना है और कढ़ाई में जीरा का तड़का लगा देना है। जीरा चटक जाने के बाद उसमें हमें लहसुन की जो हमने पेस्ट बनाई थी वो ऐड करनी है। लहसुन को अच्छी तरह से सौते हो जाने के बाद हमें इसमें नमक, स्वाद अनुसार हल्दी पाउडर और काश्मीरी लाल मिर्च 2 से 3 चम्मच और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बाद में हम यहाँ 1.5 कप जितना थिक दही लेना है और हमें यहाँ गैस बंद कर देना है, नहीं तो दही फट सकता है। ये बन गई हमारी दही तिखारी। इसको खिचड़ी, थेपला, ढेबरा के साथ खा सकते हैं। ऊपर से हम थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और इसको शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।